हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY जेल आईलाइनर, जिसको हम घर पे ही बनाएंगे, वो भी इजी मेथड से। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। तो मैं शेयर करने वाली हूँ एक होम रेमेडी, हम घर पे ही खुद से जेल आईलाइनर बनाएंगे। अगर आपके पास जेल आईलाइनर नहीं है तो आप इस तरह से जेल आईलाइनर बनाकर यूज़ कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये बिल्कुल होम रेमेडी है, तो ये आईलाइनर बनाने के लिए हम नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही यूज़ करेंगे, कोई भी केमिकल वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जेल आईलाइनर बिल्कुल ऑर्गेनिक होगी, केमिकल फ्री होगी, जो कि हमारे आईज़ के लिए बिल्कुल सेफ़ होगी। तो अब देख लेते हैं इसे रेडी करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो फर्स्ट हमें ये चारकोल पाउडर चाहिए। चारकोल पाउडर इजीली अवेलेबल होती है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, आप वहाँ से इजीली ले सकते हैं। चारकोल पाउडर यूज़ होता है नेचुरल आईलाइनर को बनाने के लिए ड्यू टू इट्स ब्लैक टेक्सचर। तो इसे हम एक स्पून ले लेंगे, देन हम वैसलिन लेंगे, थोड़े से अमाउंट में हम वैसलिन लेंगे। वैसलिन से ये जेल आईलाइनर की टेक्सचर स्मूथ हो जाएगी, कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बाद में अगर आपको वैसलिन की नीड हो तो आप फिर बाद में डाल सकते हैं, कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। देन अब हम इसे मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के लिए हम कैंडल लेंगे या फिर गैस से के ऊपर इसे रख कर हम इसे मेल्ट कर लेंगे, या आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं या डबल बॉयलर से भी ये मेल्ट कर सकते हैं। एंड जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए हम छोड़ देंगे। एंड जब ये ठंडी हो जाए तो हम इसे कोई भी कंटेनर में फिल कर देंगे एंड इसे 10 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है, मार्केट जैसी इसकी टेक्सचर आई है एंड ये काफ़ी पिगमेंटेड भी है, बिल्कुल जेट ब्लैक इन कलर है, काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन आया है। तो आप ये जेल आईलाइनर को 3 to 4 months तक यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगी। तो इसे अब आईज़ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखिए ये स्मूथली अप्लाई हो जाती है एंड एंड काफ़ी अच्छा दिखता भी है। एंड ये बिल्कुल ब्लैक इन कलर है, आप देख सकते हैं, बट ये स्मच प्रूफ नहीं है, इसे स्मच करने से ये इजली स्मच हो जाती है। तो आप इजली ये जेल आईलाइनर को बना सकते हैं, काफ़ी इजी है इसे बनाना, ज़्यादा कुछ करने की नीड भी नहीं होती है और क्विकली ये बनकर रेडी भी हो जाती है। तो आप ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय।